हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। हियर इज योर बॉय हिमांशु नेगी विद न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। सो आज हम जा रहे हैं चोपता, चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग से आगे और यहाँ पे लग चुका है बहुत लंबा जाम, क्योंकि यहाँ पे ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, तो इस वजह से अभी रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ है, तो बहुत लंबा जाम लगा है। और हम घर से नाश्ता भी नहीं करके आए हैं, तो अभी यहाँ आगे पे एक छोटी सी दुकान है, हम यहाँ पर जा रहे हैं चाय लेने, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे कितना लंबा जाम लगा हुआ है। चोपता पहुंचने के लिए हमें रह गए हैं 1 घंटा और हम फंस चुके हैं यहाँ पे एग्जाम में। अब शायद से लगता है कि एक तरफ का जाम उन्होंने खोल दिया है, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हमें यहाँ से लगेंगे 1 घंटा और किलोमीटर रह चुके हैं 30। चलो चलते हैं। अरे अब हम पहुंच गए हैं ऊखीमठ। अब यहाँ से केवल देखो देखो लिखा हुआ बोर्ड में 29 किलोमीटर लिखा हुआ, सीधा आगे चलना है हमें यहाँ ऑल्टो के पीछे पीछे। वो ना जिसमें वो उसका बेटा सुसाइड कर देता है। यहाँ भी तो ऐसी छींटे ही गिरे हुए, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। वो तो छींटे गिर रहे थे, वैसे हल्का सा गिरने लग गया, मौसम थोड़ा वो हुआ गिरने लग गया। फाइनली हम पहुंच ही गए जहाँ पड़ी है बर्फ ही बर्फ, और सामने बर्फीले पहाड़। अरे वाह यार क्या नजारा है। और यहाँ भी पड़ी है साइड साइड में थोड़ी थोड़ी बर्फ, थोड़ी थोड़ी बर्फ, यहाँ थोड़ी ज्यादा पड़ी है बर्फ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं चोपता। अब बस पहुंचने वाले हैं, हम थोड़ा ऊपर मेन पॉइंट में जा रहे हैं जहाँ पे ज्यादा बर्फ गिरी हुई है, तो बस कुछ समय और फिर हम होंगे चोपता में। हम जब आए थे ना पिछली बार, हम यार इस कैंप में रुके थे, त्रिशूल नाम है इस कैंप का। Thank you.
बढ़िया। और हम आ चुके हैं खाना खाने, चूल्हे में बन रहा है खाना, चूल्हे में बहुत बड़ी बड़ी पतीलियां रखी हैं और उसको कहते हैं केतली, और ये है पतीली। और गौतम भैया पानी पीते हुए, और ये है ढाबे के मालिक भाई जी, आप हैं जीएस बिस्ट में, ये है हमारे भाई जी जीएस बिस्ट जी का ढाबा है चोपता में। आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लंच की सुविधा मिलेगी, और अगर आप मेरा नाम लेके आएंगे तो आपको ये भाई जी थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे, 50% डिस्काउंट मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को, और हमें तो खैर वो दे ही देंगे। तो हाँ जी दो आलू के पराठे है ना, चार आलू के पराठे, दो पनीर के पराठे, एक मैगी कर दो, और चाय, तीन चाय दे दो, तीन चाय। और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन नजारा आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे कैंप स्टैंड्स की पूरी सुविधा है, आप लोग जब भी आएंगे तो आपको कैंप भी मिल सकते हैं, होटल भी मिल सकते हैं, अगर आपको कैंप में रहना है तो आपको कैंप भी मिल जाएंगे, टेंट भी मिल जाएंगे, होटल्स भी मिल जाएंगे। और हम तो यहाँ बाहर धूप में बैठ के करेंगे भोजन, उसके बाद हमें जाना है चोपता में बर्फ देखने। और यहाँ पे पनीर का पराठा मिला है हमें 70 रुपीज का, और आलू का पराठा है 50 रुपीज का, और एक कप चाय, मतलब एक कप चाय 15 रुपए की। चलो सो फार सो गुड, चलो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोपता, और यहाँ बर्फ ही बर्फ, अच्छी जगह बैठ के लंच कर सकते हैं। हो 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 हो, बर्फ ही बर्फ, ये देखो बर्फ। अरे भाई कैसी जमी हुई है, ये देखो ब्लैंकेट। पहले ऊपर इस पहाड़ी से ही आते हैं, इस पहाड़ी से ही आ रहा है व्यू भी बढ़िया वाला, वो वाला व्यू पीछे नहीं दिख रहा, दिखाता हूँ। वाह सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोपता, और चोपता में गिरी है ठीक ठाक बर्फ। अभी हम जा रहे हैं उस वाली पहाड़ी में, उस वाली पहाड़ी में ज्यादा बर्फ गिरी हुई है, और मेरे पीछे व्यूज देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे झोपड़ियां भी बनी है, यहाँ पे कुछ मिलेगा या चाय वाई मिलेगी किधर, पूछते हैं। चलो पहले ऊपर चलते हैं पहाड़ी में। तो अरे यहाँ देखो ना कितनी बर्फ गिरी है भाई, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, और ये पेड़ देखो कितना जबरदस्त लग रहा है बर्फ के बीच में। और ये बर्फ ही बर्फ, हाँ 1:30 बज रहे अभी। वाह यहाँ से बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है गौतम भैया, वाह हवा चल रही है, वाह लंकित कैच कर। अभी हम खेलेंगे स्नोबॉल फाइट, ठीक है गौतम भैया, स्नोबॉल फाइट खेलेंगे अभी, आ जाओ और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा तगड़ी बर्फ गिरी हुई है। और यहाँ पे बनी हुई है झोपड़ियां,
वाह गोले ये जा रहे फोटो ये ना इसनो बॉल फाइट नहीं हो गई है इसनो बॉल बनाओ ये बन गई अपनी स्नो बॉल हाथ जम रहे यार बिल्कुल एकदम ही है कहाँ आग ताप रहा कहाँ लगी हुई आग अरे अंकित भाई सबसे आगे जाते हुए बर्फ ही बर्फ के पास अब यार वो बहुत चढ़ाई है यार यहाँ लेकिन यहीं पे रहते ना यहाँ पे बहुत मस्त बर्फ हैं अरे ठीक है वहां से भी ऐसी आएगा यार व्यू यार ये ठीक है हैं यहाँ पे खेल रहे मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे खेलते हैं यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है अरे उसके बाद वो फिर और चढ़ाई दिखेगी वो चांद देखो वो चांद दिख रहा है आपको चांद दिख रहा है सो अभी हम आ रखे हैं चोपता और हमें लग चुके हैं चोपता पहुंचने में 4 घंटे और हम यहाँ बना रहे हैं बर्फ के गोले Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead, baby you'll get Sick of being the monster out of my head Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruise. So, abhi hum log aa rahe hain.
सकते हैं यहाँ पे बहुत, अब तो बर्फ़ गिरनी शुरू ही होगी, तो अब तो हर जगह बर्फ़ गिरी रही है यार। गलत उधर से जाना पड़ेगा हमें, और अब तो हर जगह बर्फ़ गिरी रही है, तो आप लोग आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। वैसे हमें तुंगनाथ भी जाना था ऊपर मंदिर में, और पर हमें लेट हो चुकी है, हमें शाम को कहीं जाना है।